वेलकम टू ट्राई के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी की। आज मीटिंग थी, उसके संबंध में जानकारी दी जाएगी और यूपी ट्रिपल एस सी की कुछ भर्तियों की अपडेट दी जाएगी। जो भर्तियां यहां पे लिखी हुई हैं, पेट 2022 का नोटिफिकेशन, जे ए 2016 बाल पुष्टाहार, एएनएम, एएसओ, इन भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो दोस्तों, आज सुबह मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज जो है यूपी ट्रिपल सी आयोग में एक मीटिंग का आयोजन रखा गया है और ये मीटिंग के बाद आप लोगों का जो है जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट जो है ये अब जारी नहीं हो पाएगा क्योंकि चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी है अगले वीक के लिए। और अब ये आप लोगों की मीटिंग जो है, मीटिंग का आयोजन नेक्स्ट वीक अब किया जाएगा और आगे जो भी अपडेट निकल के आएगी तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी चैनल पे ही, ठीक है ना। और इसके अलावा जो अपडेट मिल रही है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि अभी जो काम है वो टोटल एएनएम की भर्ती के लिए ही चल रहा है और एएनएम भर्ती का जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो रहा है, उसके अलावा आप लोगों का एएनएम भर्ती का रिजल्ट इसी मतलब जून महीने में ही आने की पूरी संभावना है। और अगर थोड़ा बहुत लेट हुआ तो जुलाई स्टार्टिंग में ही आप लोगों का जो है एएनएम भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा क्योंकि 100 दिनों में 10,000 रोज़गार देने की प्राथमिकता में है एएनएम की भर्ती। इसमें लगभग 10,000 वैकेंसी हैं सरकार के हिसाब से, नज़रिए से देखा जाए तो इसलिए ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी कराई जाएगी। और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की भर्ती 2016, इसके अगले वीक जो मीटिंग होगी उसमें पता चल जाएगा, जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा एसओ की आंसर की बात करें तो एसओ की आंसर की जल्दी ही आप लोगों की जारी की जाएगी और इसका थोड़ा बहुत काम चल रहा है और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आप लोगों को इसकी एसओ की आंसर की देखने को मिल जाए। इसके अलावा पेट 2022 का नोटिफिकेशन और बाल पुष्टाहार का नोटिफिकेशन, इन दोनों के आवेदन लिए जाएंगे। अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि पहले किस चीज़ का नोटिफिकेशन आएगा, पेट 2022 का या बाल पुष्टाहार का, क्योंकि दोनों के आवेदन लेने हैं, हो सकता है दोनों के साथ में ले लिए जाएं, लेकिन ऐसा काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पेट में इस बार बहुत ज़्यादा छात्र आवेदन करेंगे और इसमें जो है वेबसाइट हैंग हो जाएगी और फिर कोई आवेदन नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपका बाल पुष्टाहार का हो सकता है बाद में लिया जाए, पेट 2022 का जो है आवेदन पहले ले लिया जाए, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, बाल पुष्टाहार वाले लोग और पेट के जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी भर्तियों की अपडेट मिलेगी आप लोगों को अलग से वीडियो बना के जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक जल्दी वीडियो लाऊंगा, उसमें सभी भर्तियों की अपडेट दूंगा। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना, नमस्कार।